बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, पैसेज टू टेस्ट फोर, और बुक है हमारी ये वाली 8। आज हम लोग अपना पैसेज टू जो है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 14 to 26 हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स क्या कहते हैं, बायोलॉजिकली पेस्ट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। द कंटिन्यूस एंड रेकलेस यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल, सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक होता है जो नेचुरल ना हो, कॉपी। फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट विच पोज अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड ह्यूमन हेल्थ इज प्रूविंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव अपार्ट फ्रॉम एंडेंजरिंग वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पेस्टिसाइड्स हैव कंट्रीब्यूट टू द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू ब्रीड ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस हाईली लीथल सुपर बग्स। ये था हमारा इंट्रोडक्शन, यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसमें जो है कीवर्ड्स उनको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हम लोग अपना टास्क जो है वो अपना सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्सिमम एक टास्क को कंप्लीट करने में 11 मिनट लगते हैं अगर आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो। अब आ जाए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 14 to 17 है सबसे पहले हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 to 17 आ रहा है, तो ये किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका इस्तेमाल जो है हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, टू हमेशा किधर आता है, हमेशा वर्ब के साथ आता है। टू आप किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के साथ। अब यहाँ पर हम देखेंगे पेस्टिसाइड्स किधर है। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ देख लें ज़रा। द कंटिन्यूस एंड रेकलेस एंड सिंथेटिक केमिकल्स फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, यहाँ पे आ गया हमारा ये पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स हमने वर्ड मिल गया। आप देखेंगे इसका आंसर क्या है, अपार्ट फ्रॉम इनडेंजरिंग वाइड स्प्रेड इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पेस्टिसाइड्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू ब्रीड ऑफ केमिकल रेजिस्टेंस हाईली लीथल सुपर बग्स। यहाँ पे क्या कहते हैं, यूज ऑफ पेस्ट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड एन इम्बैलेंस इन मैनी इकोलॉजिकल अराउंड द वर्ल्ड। एन इम्बैलेंस, इम्बैलेंस क्या होता है, यहाँ पे देखे ज़रा, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या होता है, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस मीन्स जो चीज़ बैलेंस ना हो, इम्बैलेंस। नेक्स्ट क्या है ज़रा, इन मैनी इकोलॉजीज अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड यहाँ पे आ गया वाइड स्प्रेड, मतलब एवरीवेयर, हर जगह पे फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड मतलब अराउंड द वर्ल्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट पे आज क्वेश्चन नंबर 15 पे। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज काउंटेड मोर देन 300 एग्रीकल्चर पेस्ट, सबसे पहले हम ढूंढेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और 300 एग्रीकल्चर पेस्ट्स किधर है, उसके बाद हम देखेंगे हमारा हमने आंसर क्या सर्च करना है। ये आ गया फूड एंड एग्रीकल्चर और 300 स्पीशीज ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्ट्स, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब देखेंगे हमने यहाँ पे सर्च क्या करना है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ काउंटेड मोर देन 300 एग्रीकल्चर पेस्ट्स विच, जो कि क्या हैज़ काउंटेड मोर देन 300, एग्रीकल्चर पेस्ट हैव डिवेल्प रेजिस्टेंस टू अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंट केमिकल्स। रेजिस्टेंट क्या होता है, मना करना, और पोटेंट केमिकल्स क्या होता है, अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंट केमिकल्स। पोटेंट केमिकल्स क्या होता है, पेस्टिसाइड्स। अब यहाँ पे देखें क्या कहते हैं, द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैज काउंटेड मोर देन 300 एग्रीकल्चर
पेस्ट्स विच आर नो लॉन्गर रिस्पोंडिंग टू मोस्ट पेस्टिसाइड्स इन यूज हैव डिवेल्प रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, आर नो लॉन्गर हैव, यहाँ पे देख सकते हैं, हैव डिवेल्प रेजिस्टेंस टू अ वाइड रेंज ऑफ पोटेंट केमिकल्स, उन्होंने किसको मना किया, वाइड रेंज ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है इसका, ए। नेक्स्ट पे है ज़रा, कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका बिगेन टू यूज पेस्टिसाइड्स बिकॉज ऑफ एन इंटेंसिव गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग कंपेन इन रिस्पॉन्स टू द अपेयरेंस ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ पेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द रीजन एंड द क्लाइमेट टू इंश्योर मोर कॉटन वॉज हार्वेस्टेड फ्रॉम ईच क्रॉप। अब हमने इन सबको पढ़ लिया, इंटेंसिव गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स की वजह से है, द अपेयरेंस ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ पेस्ट है, चेंजेस इन द सीजन एंड द क्लाइमेट टू इंश्योर मोर कॉटन वॉज हार्वेस्टेड फ्रॉम ईच क्रॉप, कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका बिगैन टू यूज पेस्टिसाइड, उन्होंने क्यों पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, कॉटन फार्मर्स एंड सेंट्रल अमेरिका, ये आ गया कॉटन फार्मर्स, ये आ गया सेंट्रल अमेरिका। अब हम देखेंगे हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, उन्होंने पेस्टिसाइड्स को क्यों इस्तेमाल करना शुरू किया, इन द अर्ली 90s बास्किंग द ग्लोरी ऑफ केमिकल बेस्ड इंसेंटिव इंटेंसिव एग्रीकल्चर द फार्मर्स एवर्डली टुक टू पेस्टिसाइड्स, ये देखिए ज़रा, यूज पेस्टिसाइड्स, टुक टू पेस्टिसाइड एज अ श्योर मेजर टू बूस्ट क्रॉप यील्ड्स, क्या होगा बूस्ट, क्या होता है किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना, टू मेक समथिंग इंक्रीज, किसी चीज़ को इंक्रीज करना क्रॉप यील्ड्स, तो हमारा आंसर क्या है, टू इंश्योर मोर कॉटन वॉज हार्वेस्टेड फ्रॉम ईच क्रॉप। नेक्स्ट पे ज़रा, बाय द मिड 1960s कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका फाउंड दैट पेस्टिसाइड्स क्या है, इन 1960s सेंट्रल अमेरिका, ये आ गया मिड, बाय द मिड 1960s कॉटन फार्मर्स इन सेंट्रल अमेरिका फाउंड दैट पेस्टिसाइड्स वर वाइपिंग आउट 50% ऑफ पेस्ट प्लॉइंग द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉइंग 50% ऑफ क्रॉप्स दे वर मेंट टू प्रोटेक्ट वर काजिंग, यहाँ पे क्या है, वाइपिंग आउट खत्म कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, काजिंग 50% इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू पेस्ट्स रिपोर्टेड वर कॉस्टिंग 50% ऑफ टोटल अमाउंट दे स्पेंड ऑन देयर क्रॉप्स, हम देखेंगे यहाँ पे मनी की बात है या कोई रीजन है, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन की बात है या वाइपिंग आउट है, द सिचुएशन टुक एन अलार्मिंग टर्न विद द आउटब्रेक ऑफ फोर मोर न्यू पेस्ट नेसेसिटेटिंग पेस्टिसाइड स्प्रेइंग टू सच एज 50% ऑफ द फाइनेंशियल आउटले ऑन कॉटन प्रोडक्शन वॉज अकाउंटेड फॉर बाई पेस्टिसाइड्स, क्या कहते हैं, 50% ऑफ द फाइनेंशियल आउटले ऑन कॉटन, फाइनेंशियल मतलब पैसे चाहिए, ऑन कॉटन प्रोडक्शन वॉज अकाउंटेड फॉर बाई पेस्टिसाइड्स द वर कॉस्टिंग 50% टोटल अमाउंट दे स्पेंड ऑन देयर क्रॉप्स, ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 18-21 पे, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18-21, डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द क्लेम्स राइटर, येस नो नॉट गिवन, जब आपने एग्जाम देना तो येस कम्प्लीट लिखना है, नो कम्प्लीट लिखना है और नॉट गिवन कम्प्लीट लिखना है, येस स्टेटमेंट क्या होती है जो यहाँ पे भी मौजूद हो और जो पैसेज में भी मौजूद, नो क्या होता है जो यहाँ पे भी हो लेकिन वो पैसेज में भी हो, हमने गलती से नाम गलत लिख दिया, नॉट गिवन क्या होता है जो हो ही ना, डिजीज स्प्रेडिंग पेस्ट्स रिस्पोंड मोर क्विकली टू पैसेज दैन एग्रीकल्चर, जहाँ पे ये दैन आता है ये आपका 90% जो है नॉट गिवन होता है, तो आप इसको वैसे ही नॉट गिवन कर दें, अ नंबर ऑफ पेस्ट आर नाउ बॉर्न विद एन इननेट इम्यूनिटी टू सम पेस्टिसाइड, इननेट मींस बिल्ट इन, जो नेचुरली बना होता है, इम्यूनिटी क्या होता है रिजिस्ट करना टू सम पेस्टिसाइड्स, इननेट इम्यूनिटी टू सम पेस्टिसाइड, हमने इसमें ढूंढना क्या है, पेस्ट्स
और इननेट इम्यूनिटी टू सम पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड्स। अब हम देखेंगे बाद, बिकॉज ऑफ देयर ट्रीमेंडस ब्रीडिंग पोटेंशियल एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, मैनी पेस्ट आर नोन टू विदस्टैंड सिंथेटिक केमिकल आर बियर ऑफस्प्रिंग विद द बिल्ट इन रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड्स। सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं एंड बियर ऑफस्प्रिंग विद द बिल्ट इन मीन्स नेचुरल रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड्स, नेचुरल इम्यूनिटी टू सम पेस्टिसाइड्स। तो जेनेटिक यहाँ पे देखेंगे, नाउ बॉर्न विद ब्रीडिंग पोटेंशियल एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, मेनी पेस्ट आर नोन टू विदस्टैंड। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, ट्रू है। बायोलॉजिकल कंट्रोल इंटेल यूजिंग सिंथेटिक केमिकल्स टू ट्राई एंड चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेस्ट्स ऑफ स्प्रिंग। बायोलॉजिकल कंट्रोल देखते हैं किधर है। बायोलॉजिकल कंट्रोल सबसे पहले वाला आंसर हमारा यहाँ पे था। अब नेक्स्ट आ जाइए ज़रा यहाँ पे, बायोलॉजिकल कंट्रोल। हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल तो नहीं मिल रहा, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। कंट्रोल इंटेल्स यूजिंग सिंथेटिक केमिकल्स टू ट्राई एंड चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेस्ट्स ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग देख लेते हैं किधर है। ये आ गया ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ पे देखें क्या यहाँ पे बायोलॉजिकल मौजूद है। किधर गया बायोलॉजिकल। ये आ गया बायोलॉजिकल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ पैराग्राफ में बायोलॉजिकल आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं आंसर हमारा है कि नहीं है। बायोलॉजिकल कंट्रोल आ गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल इंटेल यूजिंग सिंथेटिक केमिकल टू ट्राई एंड चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेस्ट्स ऑफ स्प्रिंग। बायोलॉजिकल इन्वॉल्विंग द सिलेक्टिव यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज ऑफ द पेस्ट पॉपुलेशन इज फास्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी। न्यू फील्ड विद लिमिटेड पोटेंशियल, यहाँ पे क्या कहते हैं नेचुरल एनिमीज, और वहाँ पे क्या कहते हैं सिंथेटिक केमिकल। ये आंसर हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल एनिमीज की बात हो रही है और यहाँ पे कहते हैं कि जो नेचुरल नहीं होते सिंथेटिक केमिकल्स। तो हमारा आंसर क्या है, ये फॉल्स है। बायो कंट्रोल इज फ्री फ्रॉम डेंजर अंडर सर्टन सर्कमस्टेंस। आप बायो कंट्रोल देखेंगे किधर है, इज फ्री फ्रॉम डेंजर। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट और नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया बायो कंट्रोल। दो, द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज कंट्रास्ट अदर मैटर इज दैट इट प्रोवाइड्स अ रिलेटिवली लो कॉस्ट परपेचुअल कंट्रोल सिस्टम विद मिनिमम डेट्रीमेंटल साइड इफेक्ट्स। क्या कहते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 22, 26। ये बहुत इजी है, इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग ए टू आई। डिस्पेंस स्केल इंसेक्ट्स फीड ऑन, किस चीज़ के ऊपर उनको खाना खिलाता है वो। डिस्पेंस स्केल इंसेक्ट्स
अब हमने आंसर यहाँ से सर्च करके देना है, ये जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी गई हैं यहाँ से हमने आंसर देना है। ए टू आई लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, लेकिन हम लोग अब सबसे पहले लेंगे डिस्पेंस स्केल इंसेक्ट्स फीड ऑन, किस चीज़ पे फीड करते हैं। डिस्पेंस इंसेक्ट्स फीड ऑन, ये आ गया डिस्पेंस स्केल इंसेक्ट्स। CIBC is also perfecting the technique for breeding parasites that prey on dispense scale insects, notorious defoliants of fruit trees in the US and notorious क्या होता है, बदनाम, defoliants of fruit trees in the US and India, fruit trees। तो यहाँ पे देखें fruit trees क्या है, D आंसर क्या है हमारा इसका, D। New Dementia Sagwani 8 क्या खाते हैं वो, न्यू डिमेंशिया सिंगवानी एट आ गया। वाज फाउंड यूजफुल इन कंट्रोलिंग द रोड्स ग्रास स्केल इंसेक्ट दैट वाज डेवरिंग, डेवरिंग मीन्स एट, फोरेज ग्रास इन मैनी पार्ट्स ऑफ द यूएस बाय यूजिंग फोरेज ग्रास, पास बाय यूजिंग बीटल नेटिव टू ब्राज़ील। अब यहाँ पे देखते हैं फोरेज ग्रास है कहीं पे, तो यहाँ पे देख लें ज़रा ए, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हम दोबारा देख लेते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है, ग्रास स्केल इंसेक्ट्स, ग्रास स्केल इंसेक्ट्स एच, इसका आंसर क्या है एच। लीफ माइनिंग हिस्पाइड्स ब्लाइटेड, लीफ माइनिंग, माइनिंग हिस्पाइड्स किधर है, लीफ माइनिंग हिस्पाइड्स ये आ गया, लीफ माइनिंग हिस्पाइड्स। अब देखिए ये क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ लें ज़रा, इन द 1960 व्हेन श्रीलंकर्स फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग क्या होता है, दोबारा से रिफ्रेश करना, कोकोनट ग्रोव्स स्मॉल गार्डन वर प्लॉग्ड बाय लीफ माइनिंग हिस्पाइड्स, कोकोनट ग्रोव्स, यहाँ पे देखें कोकोनट ट्रीज, तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, सी। एन अर्जेंटीनियन वीवल मे बी सक्सेसफुल इन वाइपिंग आउट, क्या निकालने में कामयाब हो जाएगा, ब्लाइट मीन्स लीफ माइनिंग, अर्जेंटीनियन ये आ गया, अर्जेंटीनियन वीवर फॉर द इरेडिकेशन ऑफ वाटर, इरेडिकेशन मतलब वाइप आउट, वाइप आउट वाटर, ये आ गया वाटर ई। साल्विनिया मोलेस्टा प्लॉग्स, साल्विनिया मोलेस्टा प्लॉग्स ये आ गया, साल्विनिया मोलेस्टा। अब देखें ये क्या प्लॉग क्या है इसका, साल्विनिया मोलेस्टा पॉपुलरली कॉल्ड अफ्रीकन पेल इन केरला, अबाउट 3000 हेक्टर्स ऑफ राइस फील्ड्स इन केरला आर इन्फेस्टेड बाय इट्स फीट, राइस फील्ड्स, इसका आंसर क्या है बी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 to 21।
और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।